स्मृति चित्रण, मतलब जिस आपका जो भी कला है, जयंती कला, मतलब आपका जो भी कला है, सभी कलाओं में से ये क्वेश्चन जो है लिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका क्रेडिट जाता है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के ऊपर। ये जो है मैटर उनके नोट से लिया गया है। तो हम आपको सूचित करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको परीक्षा में आपके हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए मैं मैटर को नहीं तैयार किया, तो मैं ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस से ये मैटर लिया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर मैटर जो है बहुत अच्छा तरीके से दिया गया है। तो एक बार आप नजर डाल लीजिएगा, अगर आप कोई भी कला लिए हैं तो इन क्वेश्चन में से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपका OMR सेट में क्लास 10th वालों के में पूछा जाता है और 11th 12th वालों के, तो आपका उस तरीके से पूछा। तो यहाँ पर प्रावधिक कला वाले भी ध्यान दीजिएगा, सभी जितने भी हैं सभी एक बार जरूर देखिएगा। जैसे देखते हैं, चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन अगर जो आपको नहीं अच्छी तरीके समझ में आए तो मैं यहाँ पर पूरा मिला के पढ़ दूंगा। ये है स्मृति चित्र, यहाँ क्या है, ये है स्मृति। स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को, मतलब किसी वस्तु को अनुभूत करते हैं स्मृति के आधार पर। हम जब स्मृति, अगर स्मृति के आधार पर कोई अनुभूत कर रहे हैं किसी चित्र को, तो उसको क्या कहते हैं, क्या लेखन, स्मृति के आधार का लेखन करेंगे, स्मृति चित्र, प्राकृत चित्र और। तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्मृति तो वाले चित्र को जो अनुभूत करेंगे वो हम क्या करते हैं, स्मृति चित्र, जिसका हम स्मृति द्वारा अनुभूत करते हैं उसको हम स्मृति चित्र कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, लंबे आकार की वस्तु को कागज पर चित्रित करने के लिए किस प्रकार की, जो लंबे कागज हो, लंबे प्रकार के वस्तु के लिए जो कागज पर बनाया जाता है उसकी चित्र के, चित्र को कैसे प्रदर्शित करेंगे, मतलब किस तरीके से चित्रित करना पड़ेगा हमें। आप समझ सकते हैं जब लंबा कागज होगा तो लंबाई के आधार पर उसे हम बनाएंगे, किसके आधार पर बनाएंगे, लंबाई के आधार पर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर है कि स्मृति चित्रण के अंतर्गत कम से कम कितना बड़ा चित्र होना चाहिए, जो स्मृति चित्र वाला चित्र होता है वो उसकी लंबाई, मतलब उसकी जो टोटल साइज कितना बड़ा होना चाहिए, तो उसका स्मृति चित्रण कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये तो पता होना ही चाहिए, कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन, अगला नंबर है, चित्रण को प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए, जो चित्र होता है उसको अगर आपको प्रभावी और आकर्षक बनाना है तो किस प्रकार के अभिव्यक्त को आवश्यक होता है, उसमें किस प्रकार के अभिव्यक्त को, कि केवल छाया की ही अभिव्यक्त होती है, केवल प्रकाश की ही होती है, कि छाया प्रकाश दोनों की होती है, इनमें से कोई नहीं, तो छाया एवं प्रकाश दोनों की होती है अभिव्यक्त। पूरी तरीके से अगर चित्र में आपको दिखाना है, आकर्षण दिखाना है, तो उसमें आपको छाया भी होना चाहिए, उसमें प्रकाश भी होना चाहिए उस फिगर में, चित्र में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्रण में छाया एवं प्रकाश के व्यक्त के कितने नंबर के पेंसिल से प्रयोग किया जाता है, जो पेंसिल आपके लिए उपयोग की जाती है किसके लिए, आपका प्रकाश के लिए और छाया के लिए, छाया और प्रकाश के लिए कौन सी नंबर की पेंसिल प्रयोग की जाती है, 2B HB और 2HB या 3HB। तो आप समझते हैं 2B पेंसिल, कौन सी पेंसिल, 2B पेंसिल उपयोग की जाती है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका कि जैसे जैसे दृष्टि दूर होती जाती है, अगर आपकी दृष्टि जैसे जैसे दूर कर रहे हैं तो छोटी और धुंधली दिखाई दे, आपस में मिली हुई सी दिखाई दे, कैसे धुंधली दिखाई दे, आपस में मिली हुई, तो यह किसके कारण से होता है, आपके आंख के कारण से होता है। आंख में क्या होता है, नेत्रजा, आपकी जो ज्या कोण होता है उसके कमी से होता है, तो नेत्रजा, मारीचिका और नेत्र रोग सब कुछ मत देना, केवल आपका नेत्रजा ध्यान देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए, रेखाएं जो होती हैं, रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किस तरह पकड़ते हैं, जो रेखाएं आप पेंसिल पकड़ रहे हैं तो आप किस तरीके से पेंसिल को पकड़ें, उसको पकड़े छड़ी की तरह पकड़ेंगे, छाते की तरह पकड़ेंगे, लकड़ी की तरह, की पेन की तरह। अरे भाई आपको पता है कि पेंसिल पेन की तरह पकड़ी जाएगी, तो पेन की तरह पकड़ोगे, ये हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपको रेखाओं को खींचा जाना चाहिए, रेखा जो खींचते हैं वो कैसे खींचेंगे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर, ऊपर मतलब इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता है किधर खींचते हैं, दाएं से दाएं, आप बाएं से दाएं खींचेंगे, ठीक है, तो बाएं से दाएं खींचना पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आपका बर्तन में जो होता है, बर्तन के जो पेंटिंग होता है उसमें कौन सा आकार का चित्र बनाते हैं, तो आपको पता है कि वो वृत्ताकार बनाते हैं, किस वृत्ताकार, देर वृत्ताकार, ध्यान देने जाए किस प्रकार, देर वृत्ताकार बनाते हैं, वो थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मैं यहाँ पर वैसे भी उसको बता दे रहा हूँ। चित्र बनाते समय हमें दूर दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं तो हमें क्या बन होता है, वो कैसा, उसे बड़ा एवं स्पष्ट, छोटा एवं स्पष्ट, छोटा एवं स्पष्ट,
अस्पष्ट या इनमें से कोई नहीं, तो छोटा एवं अस्पष्ट बंधा। अगर अब दूर रहते समय जब दूर कोई स्थित है वस्तु, तो क्या होगा? वो थोड़ा छोटा होगा, अस्पष्ट होगा, यही तो होगा। इसको तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं, चित्र को कागज पर इस प्रकार बनाना कि कागज की लंबाई चौड़ाई के अनुसार वह सर्वाधिक आकर्षक लगता हो, और तो कहलाएगा क्या? अगर आप चित्र के कागज पर बना रहे हैं, चित्र जो है वो किसी कागज पे बना रहे हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई के एकदम सेट करके बना रहे हैं और सर्वाधिक आकर्षक लग रहा है, तो इसका मतलब चित्र समायोजन किए हैं, चित्र मापन किए हैं, चित्र परिपेक्ष किए हैं, इनमें से कोई नहीं। तो चित्र संयोजन किए हैं, यानी चित्रों का संयोजन अच्छी तरीके से आपने किया है, तो चित्र संयोजन होगा आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यदि दिया गया मॉडल वस्तु ऊंचाई में अधिक होता है, तो कागज पर चित्र को कागज की दिशा में बनाना चाहिए, किस दिशा में बनाना चाहिए? तो ये आप खुद लगे कि गहराई में होना चाहिए, चौड़ाई में होना चाहिए, लंबाई में होना चाहिए, ऊंचाई, आप खुद बताइए कि वस्तु ऊंचाई में अधिक हो और कागज पे दिशा में बनाना हो, तो आप खुद समझ सकते, जब ऊंचाई में अधिक है तो आप ऊंचाई वाला फिगर लेंगे, कौन वाला फिगर लेंगे? ऊंचाई वाला फिगर लेंगे, खुद ही समझ सकते हैं। उसके बाद आपका है इनमें से कि घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं, तो घनाकार में फलक में 6 फलक होते हैं, वैसे घन और घना में दोनों में तो 6 ही फलक होते हैं, याद होना चाहिए। और इसके बाद निम्न में से घनाकार वस्तु का उदाहरण है, घनाकार जो घनाकार समझ लीजिए 6 सतह, नीचे ऊपर ऊपर से 6, सारी दिशाओं में जिसमें तह लगी हो, तो वही होता है घन और घना। तो यह संदूक हो सकता है, पुस्तक हो सकती है, पुस्तक भी हो सकती है, कनस्तर हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब ये सभी हो सकते हैं। उसके बाद आ जाइए फल और सब्जियां, जो फल और सब्जियों का चित्र करने के लिए, फल और सब्जियों को चित्र करने के लिए पेंसिल की मोटाई और गोलाई पर ध्यान रखते समय आपको क्या क्या चीजें बाद में ध्यान देनी चाहिए, मतलब खींचते हैं, फल और सब्जी का चित्र करना है और मोटाई और गोलाई का ध्यान में रखते हुए चित्र खींचना है, आप खुद बताइए, मोटाई और गोलाई को ध्यान देना है और फल सब्जी चित्र बनाना है, तो क्या वर्ग बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, आयत बनाएंगे, इनमें से कोई नहीं, तो वृत्त में बनाएंगे। बताया जा रहा है कि ध्यान में आपको वृत्त में बनाना होगा, किस में ध्यान देना होगा? वृत्त में, ठीक है। चलिए अगला है, चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने से उसमें समावेश, अगर छाया और प्रकाश का प्रयोग किया उसमें किसका समावेश हुआ है, इसका मतलब सुंदरता का, इसका मतलब सुंदरता का अगर प्रयोग किया गया है समावेश। उसके बाद चलते हैं, चित्र में प्रकाश दशा के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं, चित्र में प्रकाश की दशा दर्शाने के लिए, दर्शाना है तो इसको दर्शाने के लिए हमें किस प्रकार, चित्र में प्रकाश को दर्शाना है, मतलब ऐसे प्रकाश का दर्शाना है, तो कौन से पेंसिल का प्रयोग किया कर, मतलब पतली का, मोटी का, मध्यक, इनमें से कोई ना, खुद बताइए, दिमाग लगाइए कि, तो आप समझ सकते हैं, पतली लगाएंगे तभी तो छाया बनेगी, दर्शाया जाएगा। यदि किसी, बोला जा रहा है कि यदि किसी चित्र में खड़े भाग पर बाईं ओर से शेड डाला गया है, बाईं ओर से शेड डाला गया है, मतलब खड़े चित्र में आपको बाईं ओर से शेड डाला गया है, तो उसके ऊपरी पड़े भाग पर किस दिशा में छाया शेड डाला जाएगा, ऊपरी मतलब ऊपर साइड बना है तो किस साइड में शेड डाला, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से मतलब बाएं से बाईं ओर से दाईं ओर से, आप खुद समझिए, दिमाग लगाइए कि आप कहाँ से देंगे, बोला जा रहा है इधर है तो आपको दाईं ओर से डालना पड़ेगा, किधर से डालना पड़ेगा, दाईं ओर से, शायद आप दिमाग लगाइए, दाईं ओर से डालेंगे ना, हाँ ठीक है। तो चित्र में छाया दिखाने के लिए, चित्र में छाया दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता है कि छाया दिखाना हो तो आप मोटी को दिखाना, ओ सॉरी, मोटी को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आपका एक पिन है और इसको आपको छाया दिखाना पड़ेगा, तो आप ऐसे ऐसे मोटा शेड दिखाएंगे तभी आपका इसको छाया होगा, ठीक है। तो अगला चलते हैं, चित्र में शेड आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए, शेड जो करते हैं किस पेंसिल करें, उसको HB से करना है, किससे करना है, HB से करना है, याद रखना। तीन प्रारंभिक, जो तीन प्रकार के प्रारंभिक चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग होता है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो वो नीला होता है, पीला और नीला, एकदम लाला वाला, दिमाग लगा सकते हैं, अगर आपको याद ना हो तो आप लाला वाला दिमाग लगा, पीला नीला, एकदम सूर्य एकदम तरह, दोनों राइमिंग वर्ड से क्रिएट कर रहे हैं। तो अगला चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ गए, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता सब सब पाकिस्तान के मरे अवशेष हैं, वहां से ध्यान देना है। और नीले रंग का कौन सा रंग मिलाया जाए तो बैंगनी हो जाए, अब नीले में हमें पता है कि लाल रंग मिलाया जाएगा तो बैंगनी हो जाएगा,
कौन सा रन? लाल। इसको हम अगला हमारा वीडियो एक आएगा, अगर अभी इस वीडियो से आपको आपकी समस्या नहीं दूर हुई, एक वीडियो में और लेकर आऊंगा, उसमें हम कम्प्लीटली आलेखन कला को, चित्रकला को समझाएंगे, पूरा रंगों का समूह, रंगों का पूरा नोट्स होगा, और उसके साथ ही साथ छोटी छोटी बातें भी होंगी आलेखन से जुड़ी। दोनों बातें अगर देख लेंगे तो 100% चित्रकला आपको समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपको 10 वालों के लिए, अगर चित्र जो आलेखन कला ली है इसमें थोड़ा सा पढ़ नहीं है, लेकिन वो वीडियो जरूर देखिएगा, इसके जस्ट ही बाद वीडियो पढ़ने वाली है, आज ही दोनों वीडियो पढ़ जाएंगे, जरूर देख लीजिएगा। आपको परीक्षा में डायरेक्ट आपको 20 अंक मिल जाएगा क्लास 10th वालों के लिए, इसमें लाल हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा रंग गर्म रंग है? गर्म रंग है वो, सब उस रंग रंग वाले वीडियो में देखेंगे तो सब पता चल जाएगा। इसे लाल को गर्म रंग कहते हैं, खून लाल होता है, गर्म खून होता है। चलिए ठीक है, चक्रधरपुर की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में है? तो वो हमारे बिहार में है। किस में है? बिहार में है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था? मुगल चित्रकला, मुगल में चित्रकला का जो कार्यकाल था वो 1550 से लेकर 1806 के बीच था, यानी 15 से 18 के बीच, 1550 से लेकर 18 के बीच में था, याद रखना। तो थोड़ा सा दिमाग आपका लग जाएगा कि 1550 से 1806 के बीच में। ठीक है, उसके बाद अगला है कि वह चित्रकार जिसने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, एक ऐसा चित्रकार का नाम बताइए जिसने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, याद कर लीजिए, नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। दरबारी चित्रकला का संबंध किस कला से, चित्रकला से है? दरबारी चित्रकला जो होती है उसका संबंध किस काल से है कि चित्रकला से, कौन से काल से? तो ये मुगल काल के चित्रकला से है। किस काल चित्रकला से? मुगल काल के चित्रकला से। ठीक है, अजंता से, अजंता की जो है उसके कुल की जो गुफाएं हैं वहाँ की, उनकी जो चित्रकला होती है, तो अजंता की गुफाएं की जो चित्रकला कला दी गई है उसकी संख्या कितनी है? उसकी संख्या मतलब उसकी गुफाओं की संख्या कितनी है? हमारी 29 है। कितनी है? 29, याद रखना। अजंता की कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? यहाँ पर गुफाओं होना चाहिए था, थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर आपको गुफाएं हैं, कितनी गुफाएं हैं, कितनी गुफा है, तो कितनी गुफा है? 29, 29 गुफा। ठीक है, अगला चलते हैं, पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन है? पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक जो है संसार चंद है। कौन से हैं? संसार चंद है, हमारे लास्ट वाले, इसमें ये वाले। इसके बाद आ जाते हैं, रागमाला चित्र जो है किस क्लासिक शैली में विकसित है? राग जो रागमाला होती है वो आपकी पहाड़ी चित्रकला में, तो चित्रा में आती है। उसके बाद बनी ठहनी चित्रकला जो होती है किस शैली संबंधित? बनी ठहनी जो है किशनगढ़ की शैली है। किसकी शैली है? किशनगढ़ की शैली है। ठीक है, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों भुजा हो तो बराबर भुजा होंगी, और तीनों भुजा 180 का कोण होता है, तीन भाग इसका कर लेंगे तो 60 60 अंश का होगा। कितना? 60। और अगर यहीं पर आपका समद्विबाहु मतलब जिसका दो कोण बराबर हो, एक कोण आपका दूसरा हो, इसमें आपका दो कोण बराबर होंगे, ये कोण का दूसरा भाग हो सकता है। और समकोण त्रिभुज हमेशा 90 एंगल का यहाँ पर होता है। इस तरीके से तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं अगला त्रिभुज, सॉरी अगला, जोगीमारा की जो गुफाएं होती हैं वो किस काल की हैं? जोगीमारा की जो गुफा है, जोगीमारा की गुफा जो है वो आपकी प्रागैतिहासिक काल की है। किसकी है? प्रागैतिहासिक काल की है। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला शैली का कार्यकाल कौन सा है? तो पहाड़ी चित्रकला का कार्यकाल जो है 1600 से 1800, बहुत ही एकदम सरल है, 1600 से 1800, 300 सालों के बीच में ये कलाएं चल रही थी। उसके बाद है, राजा रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे? तो ये त्रावणकोर के थे। कहाँ थे? त्रावणकोर के थे, रावणपुर के थे। उसके बाद चलते हैं, जो बाघ की गुफा है किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। बाघ की गुफा किस प्रदेश में है? वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद काले का विरोधी रंग कौन होता है? काले का विरोधी रंग सफेद होता है, और सफेद का विरोधी रंग काला होता है। ये एक दूसरे के विरोधी रंग आपको पता होना चाहिए, ये रंग की वीडियो में हम बता देंगे। रंग का माध्यम सबसे पारदर्शी रंग कौन सा होता है? रंग का माध्यम सबसे पारदर्शी रंग होता है आयल कलर। कौन सा कलर? आयल कलर। आयल कलर जो होता है पारदर्शी माध्यम होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ दिखता है, जो उसके नीचे रहता है वो भी दिखता है, आयल कलर जो होता है वो पारदर्शी होता है। उसके बाद हमारा वह कौन सा कलाकार है जो चैतन्य सिद्ध कहा जाता है, जिसको बोलते हैं चित्रित नाथ मजूमदार? याद रखिए, चित्रित नाथ मजूमदार, एकदम बहुत ही इजी नाम है, आप याद कर लीजिएगा, सी नंबर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हरा रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बना? हरा रंग बनाना है तो आपको किन दो रंगों, तो पीला नीला को मिला देंगे तो हरा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद नीला और लाल रंग को मिलाने से कौन रंग बनता है? लाल और नीला, नीला और लाल रंग को मिलाएंगे तो पता है कि बैगनी बनेगा। बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन है। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम जो है सभी हैं, इसमें से मेघदूत भी है, रामायण भी है, विष्णुधर्म भी है, मतलब सभी हैं इसमें से। और उसके बाद अगला है जाता है कि ठंडे रंग का कौन सा रंग कहा जाता है? ठंडा रंग, समझ सकते हैं, हरा और नीला ठंडा रंग होता है।
ठीक है। संपूर्ण कोण कौन सा होता है? संपूर्ण कोण 360 अंक को कहते हैं। संपूर्ण कोण में आपका आ जाता है वृत्त। कौन सा आ जाता है वृत्त? ये है 360 अंक, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम आए, ये 360 अंक, इसमें आता है वृत्त आपका, ठीक है, 360 अंक। उसके बाद रहता है एक त्रिभुज के समान कोणों के कितने अंश हो सकते हैं? समान कोण के कितने अंश हो, एक त्रिभुज में समान कोणों का योग कितना? समान कोणों का योग 180 होगा। अगर समान कोण 60 60 60 60 त्रिभुज में, अभी सभी समान कोण ही है, तीन कोण होते हैं त्रिभुज में, सभी 60 60 होंगे तभी तो 180 होगा, इसलिए इसमें ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला है आपका, अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? अजंता की गुफाओं की खोज जो है अंग्रेजों ने की थी। तो अभी सारे पॉइंट है, कितनी गुफाएं थी? 29। तो सारी चीजें याद रखना अजंता गुफा के बारे में। बंगाल शैली का कौन सा चित्रकार को प्रयागराज से समझेगा, मतलब बंगाल शैली से हमारे प्रयागराज से कौन से संबंध रखता है? तो जो चित्रितनाथ मजूमदार थे, दो क्वेश्चन पर बना हुआ है। चित्र मजूमदार किस चित्र पद्धति को संबंधित रखते, किस शैली को अपनाते थे, कौन सी पद्धति को अपनाते थे? तो ये जल रंग यानी वात तकनीक, कौन सी तकनीक? वास तकनीक, जो जल रंग भरना होता पृष्ठ वाला, जो उसको बनाने के लिए। नंदलाल बोस किस मतलब किस कला महाविद्यालय से संबंधित थे? ये शांति निकेतन में काम किए थे, वहां शांति निकेतन, नंदलाल बोस, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद डांडी यात्रा नामक प्रसिद्ध पट्टी किस चित्रकार ने की थी? तो इसने नंदलाल बोस ने ही इसको दर्शाया था, डांडी यात्रा को, ठीक है। उसके बाद आ जाइए तथस्थ रंग कौन सा रंग है? तथस्थ रंग हमेशा सफेद और काला होता है, तथस्थ रंग। और रंगों का पूरा वीडियो हम बनाएंगे, तो समझ तथस्थ रंग क्या होता है, विरोधी रंग क्या होता है, ठंडा रंग क्या होता है, सभी रंगों के ऊपर। महाभारत किस चित्रकार का नाम है, चित्रकार का नाम लिया जाता है? तो चित्रलेखा का, किसका? चित्रलेखा का। राजपूत शैली चित्र किस धर्म पर आधारित है? राजपूत शैली किस चित्र धर्म पर आधारित है? हिंदू। किस धर्म पर? हिंदू धर्म। तो दिस वीडियो इज क्रेडिट ऑन ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस, मतलब ये जो है मैटर ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस से लिया जाता है, तो नो कॉपीराइट प्लीज, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर मेघदूतम की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी, मेघदूतम, इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम जो है किस क्षेत्र में हुई थी? तो ये मिर्जापुर में हुई थी। भारत अपने प्रागैतिहासिक चित्र को, जो प्रागैतिहासिक जिसका कोई पता नहीं चला, तो प्रागैतिहासिक वाला जो चित्र की खोज हुई थी वो मिर्जापुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मिर्जापुर। प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? शिकारी था, क्या था? शिकारी था। उसके बाद दो शोकाकुल नारियों का चित्र किस गुफा में चित्रित है? दो शोकाकुल नारी हैं और उनको चित्रित कहाँ पर किया? अजंता की गुफा में। अजंता की गुफा में बहुत सारी चित्रकारियां दिखाई गई हैं और उनसे बहुत ही चित्रकला से संबंधित रखता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है, आंतरिक कोणों का योग जो होता है, सभी आंतरिक कोणों को जोड़ दिया जाएगा तो 360 ही होगा, चाहे जो भी वर्ग हो। भारतीय चित्रकला में जो छांग वाले होते हैं, जिसको हम षडांग बोलते हैं, तो षडांग जो होता है वो लेखक उसके कौन सा है? वात्स्यायन है। कौन सा है? वात्स्यायन है, ठीक है। अजंता की गुफाएं के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? भित्ति चित्र मतलब भित्ति में जो चित्र होता है उसके लिए प्रसिद्ध। महाराजा संसार चंद निम्नलिखित में से कौन से सी चित्र शैली के आश्रयदाता हैं? तो कांगड़ा शैली के। कौन सी शैली के? कांगड़ा शैली के। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम क्या है? चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम रामायण है, याद रख लीजिए, चित्र जो संग्रंथ है रामायण है। और किशनगढ़ शैली होती है, किशनगढ़ चित्र जो है वो किस राज्य से स्थित है? तो राजस्थान, किशनगढ़ जो है राजस्थान से है, ठीक है। और उसके बाद लेखनिया दरी कहाँ पर स्थित है? लेखनिया दरी लखनऊ पर स्थित है, याद कर लीजिएगा। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 90 का होता है, टोटल मिलाकर 360 होता है, याद कर लीजिएगा। कल्पसूत्र का सर्वप्रथम कौन सी शैली में हुआ था? कल्पसूत्र का सर्वप्रथम किस चित्र की शैली में हुआ था? वो जैन की शैली में हुआ था, जैन से, ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा रंग प्रयोग किया जाता था? तो वानस्पतिक रंग का प्रयोग किया जाता है, वानस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अजंता की गुफा में स्थित चित्रों का बना मतलब चित्रों को बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग किया गया है? अजंता की गुफा में कौन सा रंग का प्रयोग किया गया है? तो आपका जो मृत रंग होता है, जो वो होता है, मतलब मिट्टी वाले जो रंग होते हैं, कुछ तरीके का रंगों का प्रयोग किया गया, जो मतलब मृदु रंग जो होता है उन रंगों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा राजस्थान चित्रकला किस विषय पर आधारित है? तो राजस्थान चित्रकला जो है वो धर्म पर आधारित है। किस विषय पर? धर्म पर आधारित है। और राजस्थानी चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म पर। किस धर्म पर? हिंदू धर्म पर। तो पहाड़ी कला कहाँ पर विकसित हुई थी? हिमाचल प्रदेश पर। एक बात को ध्यान रख, राजस्थान की चित्रकला, अजंता की गुफा, पहाड़ी चित्रकला, इन सब पर और ऐतिहासिक और इन सब पर जुड़ी हुई क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। निम्न से प्रारंभिक रंग कौन सा है? प्रारंभिक रंग आपका बैगनी है,
और भीम बेटका की प्रसिद्ध का कारण क्या है? भीम बेटका जो है प्रागैतिहासिक गुफा का चित्रण है, प्रागैतिहासिक जो होते हैं उन पर गुफाओं पर चित्र किया गया था। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो पता है इसमें 7 रंगों का और विक्षेपण होता है, आपको पता होना चाहिए सूर्य की रश्मियों में। और मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग 3 होते हैं, याद कर लीजिएगा। और मरणासन्न राजकुमारी किस गुफा पर चित्रित है? ये गुफा मंदिर 16 पर ये पड़े हुए हैं। और प्रसिद्ध घायलों जो है उसका चित्र कहाँ पर है? घायल सुअर, वो चित्र घायल सुअर जो है, प्रसिद्ध घायल सुअर जो है ना, वो चित्र है कहाँ पर? मिर्जापुर में चित्र दर्शाया गया उसको। और भारतीय ललित कला अकादमी कहाँ पर है? भारतीय ललित कला जो है नई दिल्ली पर इसका अकादमी स्थित है, भारतीय ललित कला का। और महेंद्र रेखा जो है किस ब्रश से करते हैं? तो वो हमारा 0 नंबर के ब्रश से करते हैं, एकदम बारीक जो रेखा की जाती है, 0 नंबर का ब्रश ले लीजिएगा भी चित्र बनाना हो तो। तथास्ट रंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 रंग होते हैं तथास्ट रंग, ठीक है। काला का द्रोही शासक कौन सा होता है? कला का द्रोही शासक मतलब कला को रोक लगा दिया था, कला को नहीं यूज किया नहीं दिया था, तो वो कौन सा शासक था? वो औरंगजेब था। और रंगजेब, रंग को जेब में रखेंगे, बोल नहीं दे रहा था, समझ लीजिए। औरंगजेब प्राथमिक रंग कौन सा है? पीला रंग है इसमें से। अभी प्राथमिक रंग, रंग वाला वीडियो देखेंगे, रंग से एकदम एक क्वेश्चन में 100% आपको आ जाएगा, गारंटी है मेरी, अगर वो वीडियो देखेंगे तो। और वीडियो इंडी स्क्रीन पर मिल जाएगी, हो सकता है, नहीं तो जस्ट पड़ जाएगी चैनल पर नीचे बिजली गए चित्रकला प्लेलिस्ट है। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आलेखन के लिए उपयुक्त हमारा नहीं है कौन सा? कोण, कोण जो है उपयुक्त नहीं होता है। और वस्त्र में डिजाइन किस माध्यम से लगेगा? वस्त्र पर डिजाइन करना हो तो ये एक जो होता है एक्रिलिक, कौन सा? एक्रिलिक रंग होता है उसमें। महान चित्रकार जो देवदीन थे, उन नतरकी सु जो सुतनुक की प्रेम कथा को किस गुफा मतलब कहाँ पर बनाया था? जोगी मारा पर। कहाँ पर? जोगी मारा पर, ध्यान दीजिएगा। ऊँट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है? ऊँट की खाल पर चित्रकारी जो है किस खाल के? तो बीकानेर, कहाँ पर? बीकानेर। और अमृता शेर गिल का जन्म किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था हंगरी में। कहाँ पर हुआ था? हंगरी में। और चित्र ग्रंथ आयार दनिष किस प्रकार के भारतीय साहित्य पर आधारित है? तो महाभारत पर। किस पर? महाभारत पर। तो इतने क्वेश्चन थे, 108 क्वेश्चन यहाँ पर थे। जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आज अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा और हमारा अगला वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमारे चैनल का नाम है टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जो कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है। और क्रेडिट ऑन ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस, ठीक, उनके पर जाता है। तो आपको हमने यहाँ पर पूरा सूचना दी और आपको यहाँ पर समझाया ताकि आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसा ले जाए, चाहे जो भी चित्रकला आप मतलब आप ड्राइविंग से पेपर देने जा रहे हैं तो 100% आपको फंसने वाले हैं क्वेश्चन। अगला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उनमें से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पूछे जाएंगे, एकदम डायरेक्ट पूछे। जो आलेखन वाले कला वाले हैं ना, वो जरूर उस वीडियो को देखेंगे, 100% 200 क्वेश्चन उसमें फंसेंगे। और इसी तरीके से बताएंगे ना, आपके कट नहीं सकते, याद भी हो जाएगा, एक ही लेक्चर में याद हो जाएगा। उस वीडियो को देख लीजिएगा, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में हो सकता है लिंक मिल गया, नहीं डिस्क्रिप्शन पर मिले, नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करना मोड़ पर, और चैनल पर क्लिक करना, जाइएगा चित्रकला की ड्राइविंग प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें वीडियो मिल जाएगा आपको। और कला भी बनाना मिल जाएगा, कैसे चित्र को बनाना है वो भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी देख लीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन देखिए मास्टर मोबाइल टेक चैनल, यूट्यूब पर सर्च करिए, उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, फेसबुक पेज